हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो हमने लंच थाली तैयार की है उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज़ या फिर शुगर की प्रॉब्लम है, या फिर आपका वेट ज़्यादा है और आप उसे कम करना चाहते हैं तो भी उनके लिए भी ये दाली सूटेबल है। तो देखिए, हमने यहाँ पे यूज़ किया चने की दाल। आप सबको पता है कि चने की दाल डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, तो इसे हम बनाएंगे। ये देखिए हमारे सेकेंड इन्ग्रीडियंट फ्रेंच बीन के साथ, फलियों के साथ। और जो फलियां हैं ज़्यादातर उसको हम आलू के साथ या फिर पनीर के साथ पकाते हैं, लेकिन आज हमने इस रेसिपी को एक ट्विस्ट देते हुए जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए सूटेबल बनाया है और इसको दाल के साथ बनाएंगे हम। जो फलियां होती हैं या फ्रेंच बीन्स होती हैं, ये पहले से ही बहुत अच्छी मानी जाती हैं हमारे हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि फाइबर वाली चीज़ें हमें काफ़ी देर तक फुल रखती हैं, हमारे पेट को काफ़ी देर तक भरा हुआ रखती हैं और हम मील्स के बीच में उल्टा सीधा खाना अवॉइड करते हैं। फिर इसके साथ साथ इनका कलर ग्रीन है, तो दे आर रिच इन मेनी काइंड ऑफ विटामिंस, और इसके साथ साथ दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स आल्सो, क्योंकि ये एक फली वाली सब्ज़ी है। जितनी भी फली वाली सब्ज़ियाँ हैं, इन अदर वर्ड जितनी भी दालों जैसी चीज़ें होती हैं, जो इनको इंग्लिश में लेग्यूम्स कहते हैं, दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स। तो यहाँ पे तड़के के लिए मैंने जो बेसिक चीज़ें हैं वो चॉप करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले लहसुन, फिर प्याज। मैं अपनी सब्ज़ी में ज़्यादातर लहसुन और प्याज का अमाउंट बहुत ज़्यादा रखती हूँ, लेकिन मैं अदरक नहीं डालती, पता नहीं क्यों। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अदरक जो है वो सब्ज़ी के टेस्ट को थोड़ा सा ख़राब कर देता है, थोड़ा कड़वा कर देता है। मैं सिर्फ ग्रेवी वाली सब्ज़ियों में ही अदरक डालती हूँ। तो ये देखिए, बेसिक चॉपिंग के बाद मैंने शुरू कर दिया था यहाँ पर तड़का लगाना। तो मैंने तड़के के लिए मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसमें सबसे पहले हमने डाला जीरा, फिर लहसुन, और जब वो हल्का सा ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो प्याज और लहसुन को पकाने के बाद फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। वैसे टमाटर अगर आप ना भी डालें इस सब्ज़ी में तो चल जाता है, लेकिन मैंने चलो आज ऐड कर दिया था। बिना टमाटर के भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये सब डालने के बाद हमारे जो बेसिक मसाले हैं, नमक, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, ये सारा कुछ हम ऐड कर देंगे। और मसाला तैयार होते ही सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे चने की दाल। अब ये जो चने की दाल है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, और ये रीज़न है। और मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया था कि हमने इसे एक घंटे तक भिगोया है, तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा, इसमें पानी का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो इसे हम जब तड़के में मिक्स करेंगे तो इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा होगा, हमें ऊपर से एडिशनल अभी तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और ऐसे ही इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए पकाएंगे। 10 मिनट्स तक इसको पकाने के बाद फिर हम ऐड करेंगे अपनी जो फलियां या फिर फ्रेंच बीन्स। अब इस स्टेज पे मैं सब्ज़ी के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि दाल को अभी भी पकने में थोड़ा टाइम है और शायद जो बीन्स हैं वो इतना पानी नहीं छोड़ेंगे कि उसमें दाल पक जाए। तो इसमें मैंने आधा कप पानी लिया है। तो इसको 15-20 मिनट तक पकाना है हमें, और 15-20 मिनट के बाद हमारी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल बन के तैयार है। नहीं, मैंने बीच में एक ये शॉट लिया था ये दिखाने के लिए कि ये देखिए इसमें अभी कितना पानी है, लेकिन इसको आपको तेज़ आंच पे सुखाना नहीं है पानी को, इसको ऐसे ही धीमी आंच पे पकने देना है। और ऑलमोस्ट 15-20 मिनट के बाद हमारी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल बनके तैयार है। यहाँ मैं दाल को एक तरह से मैश करके दिखा रही हूँ हाथ से, उंगलियों के बीच में, ये आराम से हो रही है, मतलब हमारी सब्ज़ी डन है। अब हम आ जाते हैं रोटी की ओर। तो क्योंकि आज हमने डायबिटीज़ की बात की है, तो आज हम वीट या फिर गेहूं नहीं यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, आप पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता होगा कि डायबिटिक लोगों के लिए जो सबसे हार्मफुल चीज़ है वो वीट ही होती है, क्योंकि वीट में ग्लूटेन नाम का एक कंटेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा शुगर लेवल को रेज करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने मिक्स आटा यूज़ किया है, और ये मिक्स आटे को गूंदने का तरीका होता है, इस तरह से इसको हम हाथ से मलते हैं। और इसमें मैंने ये जो मिक्स आटा है इसमें रागी, ज्वार, बाजरा, चने का आटा और सोयाबीन, ये 5-6 तरह के आटे इसमें मिक्स हैं। गेहूं का आटा मैंने बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं डाला, तो ऐसे वाली रोटी को इस तरह से हाथ से थपक थपक के आपको पकाना होता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 30 to 40 seconds लगेंगे आपको एक रोटी को ओके करने में। और ये जो रोटी है जब हम तवे में डालते हैं तो देखिए उसका भी एक तरीका है, ये चकले को आप हाथ पे उठा लेंगे और इस तरह से उल्टा करके जो रोटी है अपने हाथ पे ले लेंगे और फिर हमने फाइनली इसको तवे के ऊपर डाल देना है। ये जो रोटी है वो कंपैरेटिवली पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। आप कह सकते हैं कि मुझे शायद ये एक रोटी को मतलब ये पकाने में 3 से 4 मिनट शायद लग गए थे, फिर भी मैंने मेरा जब पेशेंस ख़त्म हो गया तो मैंने थोड़ी देर इसको डायरेक्ट फ्लेम पे पकाया और फिर उसके बाद ऐसे पकाने के बाद फिर से उसे थोड़ी देर के लिए तवे पे रख दिया कि अगर वो अंदर से कच्ची भी हो तो वो पक जाएगी। तो ये हमारी जो रोटियां वो बिल्कुल बनके तैयार हैं और जो सब्ज़ी है वो भी बनके तैयार है। तो आज की हमारी थाली जो है वो स्पेशली बहुत ही न्यूट्रिशियस प्रोटीन से भरी हुई लो कैलोरी वाली थाली है। अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं या फिर अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो इस तरह का लंच कीजिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।